जीप एक ऐसी गाड़ी है जो आसानी से किसी भी बाधा को पार कर लेती है, फिर चाहे वह पहाड़ों के दुर्गम रास्ते हों या रेगिस्तानी टीले या फिर जंगलों की ऊबड़ खाबड़ रास्ते। जीप चार पहियों वाली एक वाहन है। जीप का वजन लगभग आधा टन होता है। जीप का सफर दूसरे विश्व युद्ध में शुरू हुआ। जीप को अमेरिकी फौज के खास उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जब अमेरिकी सेना ने कार निर्माता कंपनियों के सामने यह शर्त रखी कि एक ऐसी गाड़ी का निर्माण करें जो घोड़ों की तरह कहीं भी पहुंच सके, तब लगभग सभी कंपनियां पीछे हट गई थी। बांटम नामक कार कंपनी जो लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी, कार डिजाइनर कार्ल प्रोबस्ट की मदद से सामने आई। पहली बार इस गाड़ी का परीक्षण वर्ष 1940 के अगस्त सितंबर महीने में हुआ। अमेरिकी सेना को लगा कि एक छोटी सी कंपनी सेना की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगी, इसलिए उन्होंने विलीज ओवरलैंड और फोर्ड मोटर कंपनी को भी इस गाड़ी को तैयार करने का आदेश दिया। दोनों ही कंपनियों ने 1941 में प्रोबस्ट की तरह की गाड़ियों का निर्माण शुरू किया। विलीज के गाड़ी में ज्यादा दमदार 60 HP डेविल फोर सिलेंडर इंजन था जो गाड़ी की क्षमता को बढ़ाता था। फोर्ड की गाड़ियों में क्राफ्टमैनशिप बहुत बेहतर थी, जिसमें सपाट हुड और फेंडर्स थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विलीज और फोर्ड ने लगभग 6,37,000 जीपों का निर्माण किया। बांटम को ट्रेलर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो जीप के पीछे लगाया जाता था और रसद ले जाने के काम आता था। विलीज ने 1946 में विलीज स्टेशन वैगन को बाजार में उतारा। यह पहला स्टेशन वैगन था जिसे पूरी तरह से स्टील से बनाया गया था। भारत में महिंद्रा और विलीज के करार होने के साथ 1949 में मुंबई में पहली बार विलीज ओवरलैंड जीप बनाई गई। 1967 में महिंद्रा और विलीज में करार खत्म हो गया। इसके बाद महिंद्रा ने जीप की तर्ज पर मजबूत और ऑफ रोडिंग क्षमताओं के साथ यूटिलिटी गाड़ियां बनाई। भारत में जीप को ही लोग सबसे ज्यादा कस्टमाइज्ड कराते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इसे जनरल पर्पज के लिए बनाया गया था, इसलिए शॉर्ट में जीपी कहा जाने लगा जो बाद में जीप हो गया। तो ये थी दमदार वाहन जीप के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।